हाय हाय गाइस, गाइस। वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो यार जलंधर ने आके खोल दी और भगवान शिव जी समाधि में चले गए और भाई सामने नंदी जी भी भाई और उनके जलंधर भी भाई महादेव जैसा बनना चाह रहा था और समाधि में इसलिए गया था। हाँ ना अब वही देखो, ना। और माता जी वहीं पर ही बैठ के इंतजार कर रही थी कि कौन हाँ ऑन करते स्टार्ट। कोई भी पैर, कोई भी भक्त, जो भले ही मेरी भांति वृषभ भी क्यों ना हो, यदि पवित्र भक्ति से अपने नेत्रों से एक बार भी आपका दर्शन पाले, वो भी नंदी का स्वरूप धारण कर लेता है। धन्य है आप प्रभु, यानी कि जो साव नजर से वो भी नंदी जैसा है। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब पानी को देख, पानी की थर थर कांप रहा है। ये क्या हो रहा है? बात तो नहीं कर रहा जलंधर। गल हो रही पानी। ओह हो हो, शुरू हो गई भाई। देखते हैं क्या होके आता है। हाँ अबे यार देख लो, हैं जा माता जी पे भी पानी गिरा। हाँ देखते हैं कैसा आत्मा ज्ञान पार के आता है। हाँ ये कौन है? अबे इसके हाथ में कुछ है ही नहीं। कुछ हाथ में पकड़ा हुआ ना? ये भी अभी ये तो अस्त्र है भगवान शिव वाला। ये क्या निकला है? जरा दिखाओ सामने। अबे जरा दिखाओ सामने। बस बड़ा सा सेंस दिखा रहे हैं। अबे महादेव ते जांच जलंधर ते जो मैं महादेव क्रोधांश जलंधर महाप्रलय महादेव ते जांच जलंधर ते जो मैं महादेव क्रोधांश जलंधर महाप्रलय। और वही इसी तरह भगवान त्रिभुवन त्रिलोक में त्रिपुरारी का अंश। ये क्या है यार? समाधि में कर रहा है पास। ये अस्त्र कहाँ से आया इनके आने पे? क्यों जो है मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा। ये देखना और कपड़े भी होंगे ऐसे ही डिजाइन। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन जलंधर का चलना बड़ा स्टाइल है। अबे जलंधर के चलने का स्टाइल कैसा हो गया? वो लाला इसके तो चाल भी चेंज हो गई है। दूसरा पुष्पा बना है। चलने का स्टाइल देख। हाँ वैसे ही था। नहीं कर गए। तुम पहले की तुलना में अधिक बलशाली और अभेद्य प्रतीत हो रहे हो। ये कायाकल्प संभव कैसे हुआ? महादेव की समस्त शक्तियां जिनके आप सभी गुणगान करते आए, वो सभी शक्तियां मुझ में ही संचित किया जा रहा है। किसी ने मुझे इस तथ्य से अवगत कराया। यदि मैं अपने भय से मुक्त हो जाऊं तो मैं उन सभी सुप्त शक्तियों को जागरूक कर सकता। हालांकि भगवान शिव जी के हाथ में इतना शूट थोड़ा अलग है, इनका तो जाहिर बात उन जैसा थोड़ी हो सकता है। जी कहीं है, वो तो असल की बात नहीं था। ये अनुस्मारक मुझे कभी इस तथ्य को भूलने नहीं देगा। है बजार जी कहीं वो तो नहीं जो त्रिशूल इसने बनाया है गुरु जी ने? गुरु जी वाला अस्त्र तो भाई समुंदर में अभी नहीं होगा। तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ ये कहाँ से आ गया? या शायद गुरु जी है ना, लेकिन नहीं भी हो सकता। आचार है अभी ये कौन सा गेटअप आया? अस्त्र नहीं नहीं अच्छा अच्छा इसके पास खोल रहा है। तो ये कैसे आया है? किससे? शक्तियों से। हाँ ये फिर शक्तियों से आया ना?
सुनकर ही महादेव जैसे बन गए, कह रहे कौन जैसे अपने शत्रु को अचंभित करने का यही उचित समय है। और ये पहले कितने शक्तिशाली थे, उससे डबल शक्तिशाली होते निकला। जो भगवान शिव जी की शक्तियां वो इसमें आ गई, यानी कि एक तरह से कहो महादेव जैसा बन तो नहीं सकता, लेकिन इसके रूप हो कि मैं महादेव जैसा बन गया। फिर ये लाला भाई इजाजत नहीं तो फिर किसी को नहीं होती ना लाला, ये तो कुछ पता ही ना, ये तो तुझे पता है ना, तो भगवान गणेश जी को फिर किसी को नहीं जाना। तुम दोनों ठीक तो हो? महादेव कहाँ है? पिताजी कैलाश हेतु प्रस्थान कर चुके हैं, वो समाधि में लीन होकर माँ का मार्गदर्शन करने वाले हैं। तभी तो माता जी की पूरी लाला, तुझे पता ही ना भगवान गणेश जी के रसूल के पक्के हैं वो, क्या जब किसी को जाने की इजाजत नहीं तो नहीं। ये देख अबे ये इनसे खेल रहे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं ये समझ नहीं। हाँ मजाक, ना अब इतने भी हो सकता है, मजाक कर रहे हैं। क्या देख रहे हो गणेश? काशी से लौटते समय आपके रूप में जो व्यक्ति माँ से मिले थे वो तो देर से विदर्भ निकला, बस सुनिश्चित कर रहा था कि इस बार आप ही है ना। अबे हाँ पिछली दफा याद है। देखो गणेश, हमारी पुत्री इस्कंदरा में अपनी तपस्या के समापन की ओर अग्रसर है। पिछली दफा भी असुर उसको ले गया था, और हम उसके पिता उसके उसी संपूर्ण रूप को देखने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन जाने और फिर पुत्र क्या इस पिता की पीड़ा तुम्हें एक दैत्य की पीड़ा प्रतीत होती? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो केवल प्रयास कर रहा था। सारी बातें इस दफा अच्छा अच्छा ना देखो। पिताजी के आदेश अनुसार इस कंदरा में प्रवेश करना वर्जित है। माँ की साधना में कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए, इसलिए हम भी अधिक सचेत हैं। और अब जबकि वो अपने उद्देश्य के इतने समीप है, बहुत करीब है, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई अवरोध उत्पन्न हो। केवल पिताजी ही हैं जो माँ को उनके संपूर्ण रूप में इस कंदरा से बाहर ला सकते हैं। ये तो है ना, अब आना उनका जरूरी है क्योंकि उधर से जलंधर बड़ा शक्तिशाली हो गया है। बहुत खतरनाक। कौन सा अस्त्र है? हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनो जलंधर। ये अस्त्र ऐसे देंगे इनको? यह अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है, जिसका प्रयोग हाथों द्वारा किया जा सके। हाथों द्वारा फिर कैसा? इसे धारण किया जाता है। इसे धारण किया जाता है एक शक्ति के रूप में, अपनी इच्छा अनुसार। अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इस अस्त्र का संज्ञान नहीं कर सकता। क्या संज्ञान नहीं कर सकता? अबे यार फौरन तो खुद अंदाजा लगा, मतलब के यार क्या जलंधर बांध के निकला है, वो समाधि से वापस आया तो उसके हाथ में त्रिशूल टाइप भी था। मतलब भगवान शिव जी के पास अलग है, ये थोड़ा अलग के पास है, थोड़ा डमरू वाला है इनके पास, डमरू वाला और बड़ा प्यारा सा, और इनके पास ब्लैक कलर, उनका सारी ड्रेसिंग भी ब्लैक हो गई है, और गेटअप भी चेंज हो गया, और तेवर भी चेंज, और चलने का स्टाइल यू कर दिया।
यार, लेकिन बहुत खतरनाक बन के निकला। और कोई कोई वैसे ही निकलेगा, लेकिन और ऐसे ही निकलेगा कोई आत्मा गया लुप्त चैन जो भाई आत्मा त्रिशूल। और भाई साहब मैं भगवान शिव जी का वो अंश हूं, तो भाई साहब मेरे अंदर सारी शक्तियां तो उन्हीं जैसी। हां, और दूसरा से गुरु जी ने बोला पहले से तुम ज्यादा शक्तिशाली। अबे पहले ही कितना शक्तिशाली था, उससे ज्यादा अब शक्तिशाली। अबे हाँ यार, और अब जो ये जो गुरु जी दे रहे हैं कि ये शक्ति धारण करनी पड़ती, ये हाथ में नहीं अस्तर, इसको अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से भाई धारण कर। ये अस्तर है कौन सा खुरम वैसे? अभी ये अस्तर एक शक्ति होती है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। जिस तरह गुरु जी ने बोला कह रहे ये धारण करना पड़ता है, मतलब एक पहनना या अपने अंदर समाध इच्छा के मतलब होती है इच्छा के से। लेकिन अब ये आगे देखते आगे होता है क्या। और खुरम ऊपर से भाई साहब अपने मामन जी भी आए हैं वो। भाई पहले तो उन्होंने गणेश जी ने रोका कहा कि कहीं तुम वो पहले जैसे आप ना हो चुका है उनके साथ, हो चुका है ना ऐसा, तो वो अब डरते हैं भाई, वो मोहतात रहते हैं। सारी बात और मोहतात रहना जरूरी, क्योंकि ये बिल्कुल करीब करीब है और भगवान शिव जी भी उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। तो बात